नमस्कार दोस्तों, हमारे किचन में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोगों के लिए और एक शुद्ध शाकाहारी रेसिपी लेकर आ गए, बिना प्याज लहसुन का एक धमाकेदार और एक सेहतमंद रेसिपी ये होने वाला है। बस थोड़े से इंग्रेडिएंट के साथ हम इसको बनाएंगे। हमारे नॉर्थ ईस्ट में एक्चुअली सब्जी को मंदिर के भोगों में भी लगाया जाता है, तो इस तरह से सोयाबीन, थोड़े से सोयाबीन और थोड़े से सब्जी के साथ बिल्कुल शाकाहारी एक सब्जी हम बनाने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके लिए हमने थोड़ा सा सोयाबीन भिगो के रखा, इसका हम पानी अब निचोड़ लेंगे। इस तरह से पानी निचोड़ लिया हमने। अब एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल दिया, इस सोयाबीन को डाल दिया, इसको हम हल्का फ्राई कर लेंगे गोल्डन कलर होने तक। इस तरह से थोड़ा सा नमक डाल दिया, थोड़ा सा स्वाद और बढ़ जाएगा। इस ठीक इसी तरह कलर, इस गोल्डन कलर करके बनाना है। अब ये सब्जी हमने ले लिया, इसको अच्छे से धो लिया हमने। इसमें तरी है, कचू है, आलू है, इस तरह का सब्जी है। तो इसमें 5 फोरन का एक तड़का लगा देंगे, तेल कढ़ाई गर्म हुआ था। अब ये सब्जी, इसको हम सब्जी को डाल देंगे इसमें। अब थोड़ा सा हम इसको स्टीर फ्राई करेंगे 5 मिनट तक। इस तरह से 5 मिनट तक हम फ्राई करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे, क्योंकि पहले नमक डालने से नमक अच्छे से मिक्स होता है और अच्छा बनता है सब्जी। और इसमें हम एक पेस्ट ले लिया, अदरक जीरा और हरी मिर्च का एक पेस्ट है, उसमें हल्दी डाल दिया। थोड़ा सा पानी हम डाल देंगे इसमें, थोड़ा सा मिक्स करके। इस बस यही मसाला हम यूज़ करेंगे इसमें, और कोई दूसरा मसाला नहीं। इसको हम सब्जी में डाल दिए हैं। अब इसको थोड़ा टाइम और 5 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे, ताकि ये मसाला अच्छे से सूख जाए और सब्जी में अच्छे से लिपट जाए सब्जी के साथ। ये मसाला सब्जी के साथ अच्छा से मिक्स हो जाए। ये देखिए, सब्जी के साथ अच्छा से बढ़िया से मसाला मिक्स हो चुका है। अब ये फ्राई किया हुआ सोयाबीन हम इसमें डाल दिए हैं। अब इसको थोड़ी देर 2-3 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे, थोड़ा फ्राई करेंगे इसको। देखिए इतना अच्छा कलर आ चुका है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे, इसे पानी डाल के इस तरह, देखिए थोड़ा सा पानी डाल दिया। अब इसमें ढक्कन लगा के हम 8 से 10 मिनट तक इसको स्लो फ्लेम में हम पकने देंगे इसको। देखिए इतना अच्छा कलर आ चुका है, सब्जी पक गया है, पूरी तरह से पक चुका है, सब कुछ एकदम सही हो गया, सही मात्रा में बैठ गया। ठीक है, सब्जी का कलर इतना अच्छा है। नमस्कार दोस्तों, अगले मिलते हैं अगले वीडियो में।